साथियों नमस्कार, कैसे हो आप और आपके परिवार? मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आपका अपना गोलू जेसीबी और सुल्तान सिंह काफी दिनों बाद इस एक और नई वीडियो में दोस्तों स्वागत करता हूँ। आज मैं मेरे साथियों को जो हमारा अनुभव होता है साथियों, उसके बारे में बताऊंगा। देखो समाज के अंदर साथियों सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ हमारी बातों से सहमत भी होंगे कि हाँ भाई गोलू भाई सही बता रहा है, लेकिन साथियों आप मेरे से ज्यादा अनुभवी है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन साथियों आदमी एक दूसरे की वाणी से और एक दूसरे का जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उससे ही आगे बढ़ता है, और जो धरातल से इंसान उठता है वो अपने जो पीछे वाले दिन साथियों अगर वो ना भूले तो उसके पास और भी ज्यादा मौके होते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथियों मैं तो मेरा जब लग मेरा जीवन रहेगा मैं आप जैसे भाइयों से बहनों से और जो मेरे माता पिता तुला बड़े बुजुर्ग जहां भी मुझे मिलते हैं उनसे बड़े बड़े अधिकारियों से जहां मुझे मौका मिलता है मैं सीखता हूं और आगे भी जीवन भर साथियों सीखने की कोशिश करता रहूंगा। क्योंकि साथियों ज्ञान का निवेश ही दुनिया के अंदर एक ऐसा निवेश है कि हम जितना सीखेंगे और औरों को सिखाएंगे उससे ही हमारे अंदर और भी ज्यादा जो ज्ञान आता है आदान प्रदान होता है। और कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता साथियों, उसका जो जंग लगने की अवस्था होती है वो बनी रहती है। अगर कहीं ठहर जाते हैं गंदा पानी हो जाता है वो उसके अंदर बदबू आने लगती है। इसी तरह साथियों हमारा जो दिमाग है हमारा जो इंसान के अंदर जो इस कुदरत ने हमें अच्छे से बनाया है इसका भी साथियों यही जो तजुर्बा है वही है कि इसको भी हम जितना जलाएंगे उतना ज्यादा ये चलेगा और जितना रोकेंगे उतना ही ज्यादा ये डैमेज होगा। मैं सभी साथियों से यही कहूंगा साथियों आप देखो पढ़े लिखे साथी मेरी जो छोटी मोटी वीडियो होते हैं उसे पढ़े लिखे भी देखते हैं और अनपढ़ भी देखते हैं। साथियों पढ़ाई ज्यादा मायने नहीं रखती कि हम समाज के लिए कुछ कर सके आसपास के माहौल के लिए कुछ कर सके। ठीक है पढ़ाई जरूरी है, पढ़ने लिखने के बाद हम जो भी हमारा जो बोलने का तरीका है और जो अनुशासन यानी कि अनुशासन में रहने का जो तजुर्बा होता है और जो हम काम करते हैं उसमें अच्छे तरीके से करते हैं पढ़ाई साथियों ठीक है हमें अच्छा रास्ता दिखाती है और इसके बिना हम उस मुकाम पर भी नहीं जा सकते जहां हम जाना चाहते हैं साथियों। लेकिन हम देखते हैं पढ़ाई से भी ज्यादा आदमी की जो वाणी होती है जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है किसी को भी नीचा दिखाने की यानी कि उसकी कोशिश ना होनी चाहिए और एक दूसरे के आसपास हेल्प करनी चाहिए। साथियों अगर हम समाज के अंदर और कुदरत के दिए हुए इस जीवन को जितना भी हम समाज के लिए और कुदरत के लिए प्रकृति के लिए हम देंगे कुदरत भी हमें जब लौटाएगी जब हम देने की इच्छा रखेंगे और देंगे। साथियों मैंने जहां से भी मुझे अच्छे लोगों से अच्छे मेरे जो आइडल गुरु है उन सब से मैंने वीडियोस के माध्यम से और किताबों के माध्यम से मैं आप सबको बता देता हूं। देखो साथियों ये इसमें उल्टी दिख रही है ये एक शिवखेड़ा जी है बहुत ही अच्छे ये मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि राइटर है ये लिखते हैं। इनकी किताबें मैं अक्सर पढ़ता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। इनके अंदर साथियों इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि इंसान अगर खुद के अंदर ऊर्जा जैसी डालेगा वही ऊर्जा हमारे से निकलेगी और आपके अंदर अगर जुनून है जज्बा है आप अपनी खुद की यानी कि बेइज्जती करवाना साथियों क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो समाज के अंदर हमारे बेइज्जती होती है हमें पागल तक बोला जाता है। आपके अंदर सहन शक्ति है ये लोगों की जो बातें सहने की तो साथियों एक दिन जो आपको लोग पागल कहते हैं बेवकूफ हो चुका है ये जो ऐसी ऐसी बातें होती है जो आपको सभी को तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे साथियों को मेरी बहनों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें डीमोटिवेट करती है और वो उन लोगों के
जो जुल्म होते हैं ये ऐसे ऐसे जुल्म जो बातों से लगते हैं उनके कारण वे अपना जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए अपने परिवार के लिए तो वे नहीं बढ़ पाते, वे सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। मैं उन साथियों को यही कहूँगा कि साथियों आप अपनी दिल से अपनी अंतरात्मा से अच्छे काम के लिए लगिए और समाज के अंदर साथियों आपको आपके सिवा कोई नहीं रोक सकता। आप जो आपको गलत बोलते हैं या फिर आपको जो आपको देख के राजी नहीं है उनके बारे में भी साथियों अच्छा सोचियो तो दुनिया की कोई भी ताकत साथियों सिर्फ आपके सिवा आपको अपने गोल हासिल करने में साथियों रोक नहीं सकती। मैं ये नहीं कहूँगा साथियों आप अगर आप हो या हम हैं अगर गरीबी के अंदर साथियों पैदा हुए तो उसमें हमारा खोट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अब अगर हम अपना जीवन यापन करके गरीबी के अंदर साथियों मर गए तो उसमें 100% खोट आपका ही है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ है, आपके जीवन की जो प्रत्येक सेकंड है उसे कैसे यूज करते हैं, उसी के कारण आपको आने वाले समय में साथियों रिजल्ट मिलता है। मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप अपने जो प्रत्येक सेकंड है साथियों उसका महत्व समझ के अपने काम के प्रति पूरी लगन से पूरी ईमानदारी से करना शुरू कीजिए तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। साथियों आगे से भी आपका अपना गोलू जेसीबी भाई इसी तरह छोटी मोटी वीडियो के माध्यम से आपको और हमारे देश के युवा साथियों को छोटे छोटे बच्चों को साथियों जैसे समय मिलता रहेगा छोटी मोटी वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करता रहूंगा। जय हिंद साथियों, आप सबके परिवार अच्छी सोच के साथ बढ़ते रहे। धन्यवाद।